हेलो दोस्तों, यात्री बिल्ली चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ना हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं बताने वाली हूँ आपको खसखस की सब्जी। आपको पता है हम गृहिणियों की हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, अगर कोई सब्जी नहीं है तो क्या बनाया जाए। तो उसके लिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ इजी खसखस की भाजी, खसखस की सब्जी। एक्चुअली इसके लिए हमें 2-4 घंटे खसखस को भिगो के रखना पड़ता है, तो इतना तो समय हमारे पास होता ही है। तो इसके लिए मैंने इस खसखस को धो के भिगो के रख दिया है। अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी मिक्सर में, और उसमें डालने के लिए मैंने लिए 5-6 अनियंस जो मैं इसे बारीक काट लूंगी। और उसको हम सबको पता है सारी सब्जी में जैसे हमें हल्दी, नमक, मिर्ची और ये गर्म मसाला लगता है, वो मैंने लिया है। और गार्निश करने के लिए कोरिएंडर लिया है, और 10-12 करी लीव्स लिए है, और 2 हरी मिर्ची ली है, तेल लिया है और तेज पत्ता लिया है। अब मैं इसे पीस लूंगी और इसे बारीक काट के रख दूंगी। अब मैंने ये खसखस पीस के रखा है, और मैंने ये अनियंस भी बारीक करके रख दिए है, और मैंने 2 टमाटर लिए, उसे भी मैंने बारीक कट कर दिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और थोड़े से गर्म मसाले लिए जैसे दालचीनी, 4 लौंग और 3-4 काली मिर्ची। अब मैं पैन गरम कर रही हूँ और उसमें तेल डालूंगी। तो ये मैंने गैस पर पैन रखा है, पैन गरम हो गया है। अब मैं इसमें 2-3 चम्मच तेल डालूंगी। अब ये तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये तेज पत्ते डालूंगी। और ये मसाले डाल दूंगी, खड़े मसाले, हरी मिर्ची, करी लीव्स जो मैंने काटे हैं, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अब तक अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें ये अनियन डालने वाली हूँ, और मैं इसे तब तक भूनूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन न हो जाए। तो मैं इसे धीमी आंच पर 7-8 मिनट इसे गोल्डन ब्राउन हो जब तक भूनूंगी। ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे प्याज, ये अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, और फिर से हम इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे। वाव, इसकी खुशबू भी बढ़िया आ रही है और टमाटर भी पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, लाल तीखा। अब हम ये सब अपने स्वाद अनुसार डालते हैं, पर एक्चुअली ये वराड़ी टेस्ट है तो ये थोड़ा चटपटा होता है, तो हम इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं। और ये है गरम मसाला। अब फिर से हम इसे कुछ देर के लिए चलाते हैं। अब ये अच्छे से पक चुका है और इसमें तेल भी छूट चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसे फिर से अच्छे से चलाते हैं। वाव, ये पक गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ऐसी टेस्टी, एकदम मस्त तीखी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालते हैं ये जो हमने पेस्ट करके रख दिया है खसखस का, अब हम इसमें ये खसखस डालते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसे पकने के लिए कुछ देर के लिए रख देते हैं। ये बहुत गाढ़ी बनी है तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये मैंने धो दिया है ये बर्तन खसखस वाला, और ये पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसे पकने के लिए कुछ देर के लिए रख दूंगी। अब ये सब्जी पकने आ रही है, अब हम इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। और थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा गर्म मसाला, ताकि ये तीखी जब लगती है तो बहुत टेस्टी है, ये सब्जी तीखी ही अच्छी लगती है। अब
भी अच्छे से पक रही है। अब हम इसमें कोरिएंडर डालकर इसे गार्निश करते हैं और ये अभी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल यात्री बिल्ली को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। You know it.